प्लेट्स की किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनाने वाले हैं। तो एक्चुअली आजकल जैसे कि लॉकडाउन की वजह से मार्केट भी सब बंद चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना जो बाजार की बढ़िया बढ़िया चीजें होती हैं जो हम नहीं खा पा रहे हैं, तो क्यों ना उसको घर में ही बनाया जाए। और घर की बनी चीजें तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे आज हम एक बहुत बढ़िया जो रेसिपी बनाएंगे वो बनाएंगे जालीदार समोसा। पर उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये बढ़िया से जालीदार समोसा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है हम देख लेते हैं। तो जाली समोसा बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये मैदा लेंगे, तो आप कम ज्यादा जितना भी आपको बनाने हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और क्योंकि जो मैदा हम गूंथेंगे तो उसके लिए हमें मोइंग की जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिफाइंड ऑयल और अजवाइन हम डालेंगे इसमें। और ये मैंने फिलिंग के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये मैंने उबले हुए आलू लिए हुए हैं और मैश करके रखा हुआ है आलू को, और साथ ही साथ हरा धनिया और कुछ मसाले जो हम आलू में डालेंगे उसमें बारीक कटी हरी मिर्च, जीरा पाउडर, साबुत जीरा, और यहाँ पे हमें चाहिए धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, पिसी लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक। यहाँ पे मैं इसमें पनीर और मटर नहीं यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास घर में अवेलेबल हो तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने अपना जो एक प्लेन समोसे का वीडियो शेयर किया था तो उसमें मैंने ऑलरेडी पनीर और मटर डाल के उसको बनाया हुआ है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम ये जाली समोसा बनाना। तो समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा गूंथ के रख लेंगे, उसके बाद में हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। तो मैदा में ये थोड़ा सा अजवाइन हम इसमें डालेंगे। बहुत बढ़िया समोसे तो वैसे ही सबको पसंद आते हैं, बहुत ही ज्यादा सुनते ही एकदम बिल्कुल मुंह में पानी सा आ जाता है, तो बहुत अच्छे लगते हैं टेस्टी। तो बस थोड़ा सा नई डिजाइन के अगर हम बनाएंगे तो और भी ज्यादा टेस्ट उसका बढ़ जाएगा। तो ये हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया इसमें और इन सभी चीजों को इस तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे मैदा में। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया, अब इसमें थोड़ा सा हम मोइन डालेंगे और मोइन डाल के इसको एक बार इस तरह से मिक्स करेंगे। और इस तरह के समोसे आप गर्मा गर्म समोसे बना के आजकल पूरी फैमिली सब एक साथ में है आप खिलाएंगे तो बहुत ज्यादा सभी को मजा आ जाएगा, एकदम बिल्कुल बाजार जैसे एकदम टेस्टी टेस्टी समोसे बन गए। और ये देखिए इस तरह से मोइन डाल के दोनों हाथ से हम थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए इसको मसल लेंगे। और मोइन बढ़िया एकदम परफेक्ट मोइन पड़ा है, आप कम मोइन थोड़ा सा डाल के भी समोसे बना सकते हैं, लेकिन अगर परफेक्ट मोइन आपको डालना है तो इस तरह से आप थोड़ा सा मुट्ठी में मैदा लेके देखेंगे तो ये जब इस तरह से ये देखिए बनने लगेगी तो इसका मतलब मोइन एकदम सही पड़ा है समोसे में। तो फाइनली अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए एक थोड़ा सा टाइट डो हमें रेडी करना है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ, एक साथ ज्यादा पानी बिल्कुल ना डालें अदरवाइज गीली हो जाएगी मैदा। और ये डो बना के हमने रेडी कर लिया है, तो फाइनली हम इसे थोड़ा सा ढक के रख देंगे, तब तक हम फिलिंग बना के रेडी करेंगे इसकी। और समोसे के लिए जो आलू हमें रेडी करने हैं वो तो थोड़ा सा इसमें ऑयल गर्म करेंगे और उसमें ये जीरा डाल देंगे, साथ ही साथ ये जो आलू हमने लिए हुए हैं थोड़े थोड़े करके डालेंगे। ये देखिए ये आलू डालने के बाद में इसमें मसाले हम ऐड करेंगे, एक बार इस तरह से मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसमें मसाले डालते हैं, पहले तो ये जो हरी मिर्च हमने काट के रखी थी ये डालेंगे और इसी के साथ में अब ये जो पिसे मसाले हमने लिए हैं तो थोड़ा सा ये जीरा पाउडर और ये एक चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे
रिसिप पिसी लाल मिर्च, ये थोड़ा सा गरम मसाला और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और साथ ही हमें ध्यान रखना है क्योंकि जो इसका डो हमने रेडी किया है उसमें भी हम नमक डालते हैं, तो नमक बहुत ही हिसाब से आपको डालना है। और अब तेज फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे हम इसे 5 मिनट के लिए आलू को थोड़ा सा भून लेंगे और ये समोसे की फिलिंग बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और ये 5-6 मिनट हो गया है, आलू को थोड़ा सा हमने भून लिया था और ये बिल्कुल बढ़िया एकदम चटपटी फिलिंग बनके रेडी हो गई है समोसे के लिए। तो लास्ट में इसमें ये धनिया पत्ती हम डाल देंगे। और एक बार मिक्स करके इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जाली समोसा बनाना। और फिलिंग भी रेडी है, ठंडी हो गई है, तो अभी ये मैदा हम ओपन करेंगे। बस इसको इस तरह से हाथ से थोड़ा सा मसल कर और चिकना कर लेंगे। फाइनली मैदा भी रेडी हो गई है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम समोसे बनाना। तो थोड़ा सा सूखी मैदा हम यहाँ पे रख लेते हैं, अगर जरूरत होगी तो हम थोड़ा सा सूखी मैदा भी लगा लेंगे। तो समोसे बनाने के लिए पहले तो छोटी छोटी सी लोइयां हम अलग करेंगे। इस तरह से ये इसमें से छोटी छोटी लोइयां हम अलग कर लेंगे। तो अब इनको हम बेलना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से गोल गोल करते हुए। अब हम इसको बेलेंगे और साइज आप अपने हिसाब से समोसे का छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अब इसे हम इस तरह से बेलेंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। और इस तरह से ये देखिए हमने इसको बेल लिया है। और अब इसको बीच से हम 2 पार्ट में करेंगे। इस तरह से 2 पार्ट में करके एक में हम स्ट्रिप्स बीच में इस तरह से पतली पतली सी लाइनें हम करेंगे बीच में। और अब इस पे थोड़ा सा ये हमने मैदा और पानी का थोड़ा सा घोल बना के रखा हुआ है, ये हम इस पे लगाएंगे क्योंकि दूसरा पार्ट जो है वो हमें इसी के ऊपर उसको चिपकाना है ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो इस तरह से ये हम इसमें लगा देंगे और ये दूसरा पार्ट हम इसमें बराबर से बिल्कुल चिपका देंगे इस पे। इसको चिपका के और इस तरह से बहुत ही आसानी से हम उठाएंगे और सिंपल जैसे कि समोसे हम बनाते हैं उस तरह से हम बनाएंगे। एक साइड से हल्का सा इसमें पेस्ट हम लगाएंगे और ये देखिए डिजाइन पीछे एकदम बिल्कुल बढ़िया आ गई है। और हल्का सा इसको प्रेस करके और बीच में अब इसमें हम आलू फिल करेंगे। इस तरह से आलू फिल करके और थोड़ा सा इसमें ये साइड से भी हम इसमें ये जो मैदा हमने घोल बना के रखा हुआ है ये लगाएंगे और फिर इसको इस तरह से आपस में चिपका देंगे। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया एकदम स्ट्रिप वाला समोसा बनके रेडी हुआ है।
देखिए डिजाइन भी कितनी बढ़िया लग रही है एकदम जालीदार। तो इसी तरह से ये और भी समोसे बना के हम रेडी करेंगे। और एक और ये मैं बना के आपको दिखा रही हूँ, तो सेम मैंने इस तरह से इसको पतला करके बेला है, क्योंकि इसमें दो पार्ट में हम करते हैं, तो हम जो सिंगल बेलेंगे बहुत ज्यादा हमें मोटी नहीं रखनी है वो। और इस तरह से हम इसको पीस से डिवाइड करेंगे और एक में इस तरह से ये हम स्ट्रिप बनाएंगे लाइन बीच में। देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ। और अब साथ में ये थोड़ा सा घोल हम इसका लेंगे और एक तरफ ये लगा के, और जो ये वाला एक पोर्शन है इसको हम स्ट्रिप वाले पार्ट पे रखेंगे और हल्का हल्का सा इस तरह से इसको प्रेस कर देंगे और फिर साइड से इसको हम बहुत ही आसानी से उठाएंगे। और ये देखिए पीछे डिजाइन बिल्कुल बढ़िया एकदम आई है जैसा कि मैं इसको बना रही हूँ। और फिर साइड से हल्का सा इसमें जैसे सिंपल समोसा हम बनाते हैं सेम उसी तरह से थोड़ा सा घोल इसमें लगा के और इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। देखिए क्या बढ़िया डिजाइन एकदम आ रही है स्ट्रिप्स की, देखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है जालीदार समोसे। और अब इससे हम आलू इसमें फिल करेंगे, थोड़ा सा आलू मैं इसमें और भरती हूँ और आलू भर के थोड़ा सा घोल ये साइड साइड से हम लगाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और फिर ये देखिए इसको मैं इस तरह से चिपका दूंगी आपस में। देखिए कितना बढ़िया एकदम स्ट्रिप वाला समोसा जालीदार समोसा बन के बिल्कुल रेडी हुआ है। इसी तरह से ये और समोसे बना के हम रेडी करेंगे। और ये देखिए जाली समोसा बना के हमने रेडी कर लिए हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं हम फ्राई करना। तो और ये ऑयल गरम हो गया है और मीडियम हमें रखना है, बहुत तेज गैस पे हम इसे नहीं ऑयल में पकाएंगे। और एक एक करके ये समोसे हम इसमें डाल देंगे, एक बार में जितने आ जाएंगे उतने आसानी से हम फ्राई करेंगे। ये एक एक करके मैं इसमें डाल रही हूँ, एक मैं और डाल देती हूँ इसमें। और इस तरह से इसको पलटते हुए और हल्का सा सुनहरा रंग आने तक हम इसे तलेंगे समोसों को। ये देखिए समोसे तल के एकदम रेडी हो गए हैं और बिल्कुल बढ़िया एकदम कलर आया है, तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए जाली समोसा बनके रेडी हो गए हैं, बहुत ज्यादा देखने में भी जितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं उतने खाने में भी बेहद टेस्टी हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और मैं एक चीज यहाँ पे आपको और बताऊंगी कि आज जो ये मैंने जाली समोसे का वीडियो डाला है, तो आप अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने उसमें प्लेन समोसे का भी डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।